व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कैनेडी हाल में आया हुआ हूँ। यहाँ पर रोबोट 2.2 मूवी चल रही है, वो इस वजह से चल रही है क्योंकि आज वर्ल्ड स्पैरो डे है। इस वजह से ये जो गोरैया है दुनिया भर से गायब हो गई है, उसकी वजह से ये वर्ल्ड स्पैरो डे बनाया जाता है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन लोग हैं, कौन कौन मौजूद हैं यहाँ पर। चलें देखें यहाँ पर कितना अच्छा माहौल है, सब लोग बैठे हुए हैं शांति से देख रहे हैं। एजाज भाई भी बैठे हुए हैं। देखें यहाँ पर लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। स्टूडेंट देखें बहुत जबरदस्त तरीके से मूवी को लेके उत्साह है इन लोगों में। देखें ये भाई साउंड ऑपरेटर है यहाँ पर, और इनसे बात करते हैं। भाई आपका नाम बताएं अपना। मेरा एजाज नाम है। एजाज है, यहीं पर ही काम करते हैं आप? कितने साल से काम कर रहे हैं? भाई ये मूवी क्यों दिखाई जा रही है, जरा बताएं किस पर्पस से मूवी दिखाई जा रही है? भाई आज वर्ल्ड स्पैरो डे है तो सब लोगों को मैसेज पहुँचाने के लिए तो हम लोग रोबोट 2 चला रहे हैं। अच्छा, क्या मैसेज मिलेगा इससे? जो मतलब नेटवर्किंग जो होती है, रेडिएशन जो हिट करती है बर्ड्स को, ठीक है, तो उसकी वजह से आप ये मूवी दिखाएंगे स्टूडेंट्स को जी। तो स्टूडेंट ताकि इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। जी जी, और सेक्रेटरी साहब हैं क्लब के, वो चला रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया, थैंक यू सो मच सर। जैसे एजाज भाई ने बताया है कि ये मूवी हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं कि ये जो बर्ड्स हैं रेडिएशन से हर्ट होती हैं, इस वजह से ये मूवी चलेगी अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह। देखिए कितना अच्छा ऑपरेटर कर रहे हैं एजाज भाई, बहुत ज़बरदस्त हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर दो भाई खड़े हुए हैं और यहाँ स्पैरो डे सेलिब्रेट करा जा रहा है और यहाँ पर मूवी दिखाई जाएगी 2.2 रोबोट जो मूवी है इसके ऊपर बनी है। चले इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं क्यों वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेट करा जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अनस है, मेरे साथ हैं अयान अजमत खान। तो वर्ल्ड स्पैरो डे जो है ये सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि जो स्पैरोज़ हैं वो छोटी छोटी आपने चिड़िया देखी होंगी जो आपके घर में अपने घरौंदे बना के रहती थी किसी ज़माने में, मगर अब क्योंकि रेडिएशन बढ़ रहा है, हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, हर किसी के पास दो दो तीन तीन मोबाइल फ़ोन है, इस काम के लिए ये, इस काम के लिए ये फ़ोन, तो क्या है कि इससे फ़र्क पड़ता है ना, इसमें रेडिएशन निकलते हैं, तो वो आपकी जो स्पैरो हैं जो और भी बर्ड्स हैं इनके अलावा, तो उनके क्या है नेविगेशन सिस्टम में जिसके थ्रू वो उड़ती हैं, उनके डायरेक्शन पता चलता है, वो उसमें बाधा पैदा करती हैं बेसिकली। तो उसकी क्या कहते हैं आपको अवेयरनेस देने के लिए वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। और उसी सिलसिले में हम आज इको क्लब की तरफ से, यूनिवर्सिटी इको क्लब की तरफ से हम फिल्म चलाने वाले हैं रोबोट 2.0। यस। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अनस, और आज इस फिल्म के साथ मेरी एक फिल्म आने वाली है द करली फिल्म्स की तरफ से, तो उसका भी ट्रेलर चलाया जाएगा, आज ट्रेलर रिलीज़ है। okay. और 27th of March को उसका प्रीमियर है कैनेडी हॉल में और यूट्यूब पर द करली फिल्म्स पे, उसे भी जाके देखिएगा। okay, ये हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अयान अजमत खान, थोड़ी सी बात आप इनसे कर लें। वर्ल्ड स्पैरो डे जो है इसलिए ही रखा गया है, जैसे कि अभी अनस भाई ने बताया कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए रेडिएशंस बढ़ रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स की वजह से, एसीज की वजह से, रेफ्रिजरेटर की वजह से। हम मोबाइल फ़ोन का यूज़, एसी का यूज़ मतलब रोक तो नहीं सकते, बट हम इस ध्यान में रख के उनको कम से कम कर सकते हैं, कि जबकि हमें अवेयरनेस इसलिए बढ़ाई जा रही है कि लोगों को पता चले कि उस रेडिएशन से ये स्पैरोज़ का नेविगेशन सिस्टम ख़राब हो रहा है, वो अपना सही से उड़ नहीं पाती हैं, बहुत नुकसान पहुंच रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कम से कम यूज़ करा जाए जिससे कि रेडिएशन कम हो। अब रोक तो सकते नहीं भाई, जाहिर सी बात है, ज़रूरत की चीज़ हो गई है अब ये। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना कीमती टाइम दिया क्योंकि आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत बड़ी मूवी अभी चलने वाली है यहाँ पर वर्ल्ड स्पैरो की वजह से, क्योंकि ये वर्ल्ड स्पैरो डे है आज माशाल्लाह से। ये लोग अल्लाह सलामत रखे इन लोगों को, ये बहुत अच्छे लोग हैं और इनकी मूवी भी आने वाली है जैसे कि अभी इन्होंने बताया था 27th of March में आएगी। अच्छा, मूवी का नेम है सहाफ़, चलिए इंशाल्लाह आप लोग भी देखिएगा, मैं भी इंजॉय करूँगा, सब लोग इंजॉय करेंगे। ठीक है, बाय बाय सर। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक मैम खड़ी हुई है और यहाँ पर ऑर्गेनाइज इन्होंने करवाया है ये फिल्म को, वर्ल्ड स्पैरो डे है आज, तो इनसे बात करते हैं। चलिए
सो द स्टूडेंट्स ऑफ एएमयू हैव ऑर्गेनाइज दिस मूवी इवेंट बिकॉज इट्स वर्ल्ड स्पैरो डे ऑन 20th ऑफ मार्च एज वी ऑल नो अबाउट द अवेयरनेस ऑफ द स्पैरोज दैट आर reducing day by day due to the mobile radiations and also due to noise pollution which will result in an imbalance of the ecosystem. So it's just not Sparrow Day, we are organizing a whole eco awareness week from 20th to 24th of March. Today we are hosted an event on World Sparrow Day, then it is followed by International Day of Forest, which is on 21st. Then comes World Water Day, 23rd, and Meteorological Day also. And then we have Tuberculosis Day. So it's a whole week of ecological awareness. Hope you'll join and take part in this. Thank you.